हरियाणा के नतीजों पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। ओवैसी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाई। 10 सालों से बीजेपी वहां सत्ता पर थी, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी वहां हार गई। ओवैसी ने यह भी कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने पर कुछ नहीं होगा। ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के नतीजों पर भी सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को घेरा। कहा, जम्मू में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री एक चपरासी की भी नियुक्ति नहीं कर सकता है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का भी है तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इजहार कर दिया। कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक सीट जीती। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा